हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज दिल किया है दोपहर के टाइम ये खाने का, मैगी मसाले वाली, तो वही बना रही हूँ। मैं और मेरी बेटी दोनों उतने खाने का फैसला नहीं किया था। आज मेरा दिल किया था कि मैं मैगी खाऊं, तो मैंने मैगी चढ़ाने के लिए आई जैसे चूल्हे पे, तो उसने बोला कि मुझे भी खाना है, तो मैंने एक के बदले दो मैगी ले ली है। तो अब ये बन रही है और आज मैं बनाऊंगी मूंग की खिचड़ी, मूंग की। और ये देखिए अभी रखा है, अभी इसको चढ़ाया नहीं है, जीरे से बगाड़ के इसको मुझे बनाना है। जो ज़ीरा होता है ना, उससे बगाड़ूँगी तो और सौंधी हो जाती है। और ये रखा है मैंने घी, जो कि फ्रिज में बहुत मतलब सख्त हो गया है, तो इसको पिघलने के लिए रखा है इसको, क्योंकि ये फ्रिज में लेके बहुत सख्त हो गया। मैंने फ्रिज में ही रख दिया था क्योंकि इसका डिब्बा नहीं था मेरे पास, तो डिब्बा ख़रीद लाई हूँ। अब ये पिघलेगा तो इसको डिब्बे में निकाल दूँगी। तो खिचड़ी अभी चढ़ेगी कुकर में ही, और मैगी बन रही है क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है, तो बस तैयारी हो जाएगी अभी थोड़ा देर। तो आजकल सवेरे नाश्ते के अलावा बीच में कोई फालतू चीज़ खाई नहीं जाती, तो इस करके भूख टाइम पे लग जाती है। वरना पहले भूख तो 3, 3:30, 4 बजे लगती थी, मगर अब जो है कोई फालतू चीज़ जो कि खाई नहीं जाती बीच में, मतलब मैंने खाना छोड़ दिया अभी कम से कम हफ्ता भर से, तो भूख ही लगती है डायरेक्ट, तो बना रही हूँ अभी। तो पूरे हफ्ते में आज मिली है एक दिन जाके छुट्टी, जिसमें आराम से माशाल्लाह से सो रही है। अभी मैं उठाऊँगी बिल्कुल आराम से, अगर 11-12 बजे तक उठेगी तो भी चलेगा, तो 11-12 बजे तक उठाऊँगी इसको। अभी सोने देती हूँ आराम से। और हमारी तो सुबह हो चुकी है, वो भी जाग चुकी है, ये तो सो रही है, मैं जाग चुकी हूँ। तो देखती हूँ कि नाश्ता बनाने जा ही रही हूँ बस। और हमारा सिम्बा भी उठ चुका है। सिम्बो उठ गए, आप पकाया? बस लेटे रहो, मैं छोड़ूँ। उफो इधर देखो, उठ गए तुम भी, उठ गए तुम्हें, आप पकाए मैं छोना। फिर गुड्डा और बुड्ढा भी खाएंगे, गुड्डा। और यहाँ पे चढ़ चुकी है ये मेरी चाय, जो कि हम सुबह चाय और बुरन पाव ही खाते हैं, ऐसी हमको आदत है, बरसों से परंपरा है हमारे घर में। हर कोई, बहुत कम है जो सालन और रस्से वाला खाते हैं बाकी चाय पाव, तो ये जो है ये चाय चढ़ चुकी है हमारी। तो बहुत दिनों बाद आज लग रही हूँ दोपहर में खाना बनाने के लिए। ये बाल क्यों निकल जाती हूँ, तो सोच रही भी क्या बनाऊँ। देखती हूँ, आज खिचड़ी बनाना है ऐसा बोला गया है, क्योंकि आज मेरी बेटी की छुट्टी है, तो मुझे बनाना है खिचड़ी, उससे बोली खिचड़ी बनाऊँ, मतलब दाल चावल मिला के। तो अभी लग रही थोड़ा काम है, और पहले सोच लूँ बराबर कि मुझे क्या बनाना है। जैसे मैं पहले चढ़ाऊँगी खिचड़ी, फिर देखूँगी सब्जी भाजी तरकारी। सुनिए, फिर तुझे आना पड़ेगा, देख के निकाल के देना मुझे। हाँ, मेरा हाथ नहीं जा रहा है, वो बहुत ऊपर है, तो ये आएगी तो ये निकल गई, इसका हाथ जाता है। चलो मैडम चमकी दी, तो मैडम चमकी ली आ रही है अभी, बहुत ज़्यादा ही चमकी ली, इसका हाथ जाएगा। कौन सी है? हाँ ये निकाल देना, इसमें देखना इतनी है, देख जहाँ इतनी, तो मैं इसको गर्म करके फिर कढ़ाई, वो जलन की कढ़ाई भी निकाल देता, खाली करो और इस पर वो कर लेते हैं। अब आप जा सकती हैं, रघुपानी तो निकल आए, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी मीडियम है, तो ज़्यादा ऊपर मेरे हाथ नहीं आता है, तो उसको बनाना पड़ता है, उसकी मशीरा सही है। खाना बनाना शुरू कर दिया है, मैं सोच रही हूँ वैसे भी बहुत लेट हो गया है, और आज तो जल्दी बनना चाहिए क्योंकि वो घर में भूख भी लगेगी, तो आज जल्दी टाइम पे बन जाए तो अच्छा है। वैसे हम लोगों को इतने दिनों में मतलब टाइम पे थोड़ा खाने की आदत हुई है,
4 से पहले, तो मैं सोच रही हूँ आज भी जल्दी हो जाएगी खाना बना के। तो फिलहाल तो बकबक बंद करूँगी और अब मिलती हूँ खाना बनाने की सीधे बाद में। तो आज का सारा काम खाना बना के, खाना खा के और कॉफ़ी पी के हो गया है, सॉरी कर रहे हैं, तो सारा काम हो गया। और ये पीछे जो चार्जिंग की दुकान लग रही है, ये फ़ोन वगैरह में चार्जिंग हो चुकी है, पीछे ये भी लगा हुआ है, कितने खतरे में मैं लेती हूँ उसके आगे। तो ये चार्जिंग वगैरह करके हमारा हो गया है और अभी हम अब जाके आराम से लेते हैं खाना वगैरह खा के कॉफ़ी पी। अंदर बुलाने तो भूल गई है, तो चालू नहीं की थी इसको खाते खाते, बुलाना भूल गई, मैंने चालू नहीं किया था ब्लॉग अपना, तो बुलाना भूल गई थी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से जरूर बुलाऊँगी। और बस कुछ थी, बस अभी पढ़ी हूँ मैं जाके और तब से काम में लगी थी। और मैंने तो ये बोल दिया था पहले कि काम हो जाता है फिर आप, तो इस करके अब जाके काम हुआ है, अब थोड़ा शांत दिमाग और थोड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि सारा काम हो गया। तो आज मैंने काम दोपहर में किया क्योंकि इसकी छुट्टी है, ये चिंटुकली पिंटुकली मेरी है ना, इसकी छुट्टी है, तो घर में ही आज, तो मैं बहुत ज़्यादा आराम में हूँ और आराम से आज हमारा पहले की तरह दिन में खाना बन गया है, बहुत मज़े की बात हो गई है। तो और काश तेरा काम खाली 2 घंटे का हो जाए, काश इसका ऑफिस 2 घंटे का हो जाए, सिर्फ जाए और 2 या 3 घंटे, चलो 1 घंटे मैं एक्स्ट्रा देती हूँ, 3 घंटे का हो जाए ऑफिस का काम, तो कितना मज़ा ना कि जाएगी झट से जाएगी, 3 घंटे पास आ जाएंगे झट से आ जाएगी। और सबसे पहली बार तो मैं कभी नहीं जाऊँगी, मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरे बच्चे कोई ऑफिस जाए कहीं खत्म करें बस ऐसी। तो ऊपर वाला वो पैसों का एक बहुत बड़ा मटका हमारे घर पे नीचे हमारे घर पे यहाँ हमारे घर में फेंक दी इतना बड़ा मटका, तो पूरे पैसे से भरा, तो मजा है, अल्लाह भी हंस रहे होंगे ऊपर से, बोले वो भी हंस रहे होंगे, अल्लाह पर हंस रहे होंगे ऊपर से, बोलेंगे ये पगला नहीं ये लोग। तो कुछ भी नहीं, बस यही कि खाना खा लिया हमने, तो आप लोगों ने भी खा लिया होगा, ऐसे पूछती नहीं हूँ मैं, मतलब आपने खाया कि नहीं ऐसे नहीं पूछती हूँ, क्योंकि खा लिया होगा तो बस लेट के आराम कर रहे हैं। अभी आप भी आराम करो लेट के, हम तो लेट के आराम कर रहे हैं, आप भी लेट के आराम करो। फिर कुछ भी नहीं, फिर मैं उठूँगी, अभी तो बंद करूँगी क्योंकि अभी थोड़ी नींद से आ रही, तो लेट के हम लोग सोने की कोशिश करेंगे। वैसे भी अभी कितना हो गया, 4:30 हो गया, 5:30 हो गया, तो नींद तो क्या ही आएगी, फिर भी थोड़ी सी अगर आँख ऐसी लग जाती है तो फिर बाद में उठ के फिर से काम शुरू करूँ, फिर मैं अच्छा ही काम नहीं है शाम में, बस बातें करूँगी आपसे और क्या, और कुछ नहीं होगी, बात बहुत बड़ी हो जाती है। मगरिब भी हो चुकी है ना, थोड़ी देर में अज़ान होगी, तो मगरिब हो चुकी है और हम उठ के बैठ गए हैं, लेकिन हमारे पास कोई काम नहीं है फिलहाल, कोई काम नहीं करना, काम छुट्टी अभी अपने कुछ करना है, काम करना है तो कपड़े डालना, हाँ सिर्फ धोने में कपड़े डालने हैं और काम तो कोई नहीं है। शुक्र से खाना वगैरह बन चुका है, तो मैंने उस तरफ से तो आराम है, पूरा सिर्फ कपड़े डालने धोने के लिए, और फिलहाल कोई नहीं, बड़ी वाली बेटी है जो वो आए थे घूमने के लिए, छोटी वाली फिर सामने मेरे पड़ी है वहाँ पर, और मैं उठ के फिर बैठ गई यहाँ पर, तो काम नहीं है तो कुछ नहीं, हल्का फुल्का महसूस हो रहा है, और पूरा अंधेरा अंधेरा सा है, हमने अभी तक लाइट नहीं जलाई, वो कुछ मैं चलाई जल रहा हूँ, जला दे ऐसी थोड़ी देर फिर जलाते, तो कोई बात नहीं जला दे अब तो जला ही दे, लेकिन बाहर तो बहुत उजाला नज़र आ रहा थी, इतना अंधेरा नहीं हो गया, 4:45 में उजाला है अभी, तो बस कुछ भी काम नहीं, फिलहाल तो बोर ही हो रहे हैं बस, क्योंकि भी रात का कोई काम नहीं है। खाना जो बनाई हूँ वो लेके जाएगी कल अगर रात हो तो, फिर चीज़ ओ मन को बोल दी चीज़ ना जी कि वो आपस ही में आते आते लेकर आ जाएगी, तो फिर तू अंडा बना के भी लेके जा सकती है, वो काम हो सकता है। तो जो मैंने आज बनाया है वो चिकन ये कल नहीं ले जाने बोल रही है, तो वो खाना ये बोले नहीं लेके जाऊँगी, तो कोई बात नहीं, मैंने कोई बोला सैंडविच बना के अंडे का लेके चले जाना, मगर चीज़ नहीं मंगाई, सारा कुछ मंगाई कल, चीज़ नहीं मंगाई, तो मैं बोलूँगी चीज़ मंगा दें, तो
तो चीज़ तो मतलब अंडा प्लेट में रख के बनाते थे, ज़्यादा अच्छे रखते तो चीज़ मंगा लेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, ये लेके जा सकती है। तो फिर भी मुझे कल बनाना पड़ेगा सवेरे, अभी सवेरे का हिसाब हो जाएगा तो सही हो जाएगा लाइन लेबल। देखो मैं सिर्फ बोलती हूँ सवेरे का हिसाब होता नहीं है, पता नहीं शाम ही आ जाती है क्या मन की हो। मगर ट्राई करूँगी कि खाना फिर सवेरे का बनाने लग जाऊँ तो लंच हो जाए। और फिलहाल इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, और अभी रात को कुछ नहीं, बस रात में गिरगिट हो जाएंगे थोड़ा टी वी पर देखेंगे, और उसके मतलब नमाज बाद टी वी वगैरह चलोगे थोड़ा टाइम ऐसे से बात करेंगे, फिर सुबह उसका ऑफिस और हमारा घर का काम, बस यही खाना, बस यही खानी फिलहाल के लिए। तो फिर मैं वही कहना चाहूँगी जो हर रोज़ के तुम आप में बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। मैं यूट्यूब फैमिली फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में या ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।